संधि विच्छेद करके देखो क्या गलत है, बस संत। और संत कौन होता है? जो मन से संत हो, जो गर्मी सर्दी निंदा स्तुति मान अपमान सब चीजों से परे, वो असली संत जो इन चीजों से परे नहीं, उसके लिए संत। क्यों? बसंत, उसका अंत काल आ गया। और दुनिया में कहा जाता है आई बसंत पालावदन, अब सर्दी कम होना शुरू हो जाए। जो धरती ने शीत काल की चतर उड़ी हुई थी, शीत चतर वो जरा उतारे दिया उसमें प्रकृति में सब खुशहाली थी। सत्ययुग का यादगार है, सत्ययुग में सदैव संत ऋतु होगी ना, उसका यादगार। और इस दिन सरस्वती की पूजा होती है, अनमुरली रामान सर्व चलिए, सफेद रंग स्वच्छता का प्रतीक है, हाथ में ज्ञान वीणा है। ज्ञान वीणा सबसे पहले किसने सुनाई थी? सरस्वती ने। अभी वो संत ऋतु आई थी, सत्ययुग तभी बना। और हाथ में माला भी दिखाते हैं, अजब पा जाओ, बस एक शिव बाबा की सेवा और कुछ नहीं। और हाथ में पुस्तक, ज्ञान का भंडार, क्योंकि विद्या की देवी माना है, असली सही रूहानी विद्या उसने आकर दी थी। बाबा ने भी निमित्त, भले शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया था, लेकिन उसने भी सरस्वती को ही होकर रखी। इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में सरस्वती पूजा वसंत ऋतु पे, फिर नवरात्रे आएंगे, फिर दुर्गा, तीन देवियों का विशेष गायन, फिर दिवाली लक्ष्मी। जिसने सरस्वती को समझा और शक्ति को धारण किया, उसके पास लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी का स्पेशल आह्वान करने की जरूरत नहीं पड़ती। हंस बनेंगे, हंस वाहन है उसका, हंस अर्थात मुक्ति चुगने वाला। आज दृढ़ संकल्प करो कि जो हो गया सो हो गया, जो किसी की चर्चा चुगली कर ली कर ली, बस आज के बाद सिर्फ गुण रूपी मुक्ति ही चुगेंगे, तो जीवन संगीत हो जाए। सात स्वर से बनता है, सात गुणों को जीवन में धारण करो तो जीवन संगीत में, उसमें सात ही स्वर होते हैं, सारे गावा बाधानी सारे, उसको मिला करके अच्छा संगीत बनता है। मामा संगीत में बहुत निपुण थी, हमें भी ऐसा सातों स्वरों को मिलाने के लिए जीवन संगीत में तब होगा। बंसरी तब अच्छी बजेगी, सुख चैन की बंसरी तब बजती। बंसरी की विशेषता बताते क्या, क्यों बिना बजाए नहीं बजती? हम भी जब जरूरत नहीं बोले, जब हमें डायरेक्शन मिले, वैसे नहीं, बिना बजाए नहीं बजती, जरूरत के समय पर बोलो। और जब भी बजती तो मीठी बजती, जब भी बोलो तो मीठा बोलो। और इतने सारे छेद होते तो भी बड़ी अच्छी बजती। हमारे पास तो ऐसी वैसी बहुत सारी बातें होती, तो फिर हम इरिटेट हो जाते, वो कभी नहीं ऐसी बजती। उसकी भी विशेषता है, ऐसी विशेषताओं को जीवन में धारण कर लोगे तो सुख चैन के मन से गली दुनिया में चल सकेंगे और इस दुनिया को ऐसा बना सकेंगे। इसलिए आज से सभी ये दृढ़ संकल्प करें, क्योंकि आज से क्या होगा, दिन बड़े और रातें छोटी, हरियाली चारों तरफ, प्रकृति भी अपना सब कुछ बदल देती है। संत ऋतु आने से पहले पतझड़ भी होती है, थोड़े दिन बाद पतझड़ भी आ जाएगी, छह ऋतु परिवर्तन हो जाती है, दो दो मास का गैप होता है सिर्फ।
ऐसे हम भी समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना सीखें, सबके नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना सीखें, कुछ नहीं सब बहुत अच्छा। तो सदा बहार वाली दुनिया जल्दी आएगी। तो बाकी आप सभी को शुभ आशीर्वाद मधुबन जाने वाले।